सो ये म्यूचुअल फंड का जो सम है वो थोड़ा यूनिक है, क्योंकि नॉर्मल म्यूचुअल फंड के सम में जब आप एनएवी निकालते हो तो आपको मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, रिसीवेबल्स, अक्रूड इनकम, एक्सपेंसेस सबको माइनस करके नंबर ऑफ यूनिट से आप एनएवी निकालते हो, पर यूनिट निकालते हो। इट्स अ टिपिकल मेथड जहाँ पे आपको सब स्टॉक्स की इन्फॉर्मेशन दी रहती है, पोर्टफोलियो की इन्फॉर्मेशन दी रहती है और करंट मार्केट प्राइस और नंबर ऑफ शेयर्स दिए रहते हैं। यहाँ पे सर जो अपने को ये सम में यूनिक चीज इसीलिए मैं बता रहा हूँ, हालांकि ये पास्ट पेपर का और पीएम का ही सम है इसीलिए मैंने कैटेगरी सी वन दिया है, मैं इसको यूनिक इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अपने को कोई मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जो दिया है वो ओपनिंग और क्लोजिंग का दिया है, और उसके दौरान जो फंड में मूवमेंट हो रहा है, जो बाइंग सेलिंग हो रहा है और उसकी वजह से जो उसके कम फंड के कैश फ्लो पे इंपैक्ट होता है वो दिया हुआ है। तो होने क्या वाला है सर, फंड की अपने को ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू दी है बिटवीन अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन, और उसके अंदर सर फंड में जो भी मूवमेंट हो रहा है, जो एज अ फंड मैनेजर आप सर कुछ बाई सेल करोगे इक्विटी को, उसमें कुछ गेन लॉस होगा प्लस कुछ इनकम जनरेट होगा, वो सब जो ट्रांजैक्शन है उसकी वजह से जो फंड का फाइनल वैल्यू बनता है उस पे एनएवी निकालने को अपने को बोला गया। तो इट्स अ वेरी डिफरेंट वे जिसको इंस्टीट्यूट ने अपने सॉल्यूशन में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो मैं क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते सॉल्यूशन से कनेक्ट करूंगा ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाओ। तो सब मैं दो चीज करना है, एक तो अपने को एनएवी निकालना है और उसके बेसिस पे इन्वेस्टर को कितना रिटर्न आता है वो भी निकालना है। तो लेट अस सी एंड ट्राई टू डू द सॉल्यूशन साइमल्टेनियसली विद द क्वेश्चन इटसेल्फ, राइट। सो क्या दिया हुआ है सम के अंदर, ऑन 1/4/2012 एबीसी म्यूचुअल फंड हैड इशूड 20 लाख यूनिट एट रुपीज 110 पर यूनिट, मतलब सर 200 लाख उन्होंने इशू किया था, 200 लाख का अमाउंट का उन्होंने इशू किया था। रेलेवेंट इनिशियल एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 12 लाख, इट इन्वेस्टेड द फंड सो रेज द फंड रेज्ड इन कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो ऑफ 185 लाख। तो सर इतनी इन्फॉर्मेशन के अनुसार आप देखोगे तो अब तक क्या पता चला है, 1/4/2012 1 अप्रैल 2012 को कंपनी ने 200 लाख का कैपिटल रेज किया जिसमें से 12 लाख का खर्चा हो गया तो वो माइनस हो गया और बचा वो 185 लाख उन्होंने डाल दिया, किसके अंदर डाल दिया सर, उन्होंने 185 लाख का पोर्टफोलियो बना डाला। तो सर इसी चीज को जरा अपन वहां पे समझते अच्छे से क्या हो गया सर, तो ओपनिंग बैंक बैलेंस अपने को मिल जाएगा जो उन्होंने दिया, तो 200 लाख का सर कैपिटल रेज किया था जिसमें से 12 लाख के इनिशियल एक्सपेंसेस थे और 185 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो सर बैंक का ओपनिंग बैलेंस अपने को मिल जाएगा 3 लाख का, ऐसा दिया हुआ है। आगे ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2012 इट डिस्पोज्ड ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट कॉस्टिंग 60 लाख फॉर रुपीज 63, तो 60 लाख का पोर्टफोलियो उन्होंने बेचा 63 लाख पे एंड यूज द प्रोसीड्स इन परचेजिंग सिक्योरिटीज ऑफ 56 लाख। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें मिल रही है, 60 लाख का जो माल था वो उन्होंने 63 लाख में बेचा और 56 लाख में वापस खरीदा। तो अगर मैं कैश फ्लो में चेंजेस की बात करूं तो सर 63 लाख का इनफ्लो आया है लेकिन 56 लाख का री इन्वेस्टमेंट कर दिया तो अपन डिडक्ट कर देंगे, तो सर 63 लाख का इनफ्लो आया है और 56 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, सिक्योरिटी परचेस किया है, तो वो डिडक्ट हो जाएगा, बाकी ये सब एड्स हो जाएंगे। आगे फंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल वर रुपीज 8 लाख ऑफ विच 10% वर इन अरियर्स, तो सर 8 लाख का 90% तो पे कर दिया है, तो सर 8 लाख का 90% उन्होंने पे कर दिया जो अपन डिडक्ट करेंगे, तो 8 लाख का 90% 7.2 अपने कैश में से चले गया रहेगा, बाकी का जो 10% है वो अरियर में रहेगा, तो दैट इज 0.8 वो भी डिडक्ट होगा जब अपन एनएवी निकालेंगे, अभी डिडक्ट नहीं करें क्योंकि अपन अभी कैश एंड बैंक का स्टेटमेंट देख रहे हैं। उसके अलावा आगे क्या दिया हुआ है, इन अप्रैल 2012 द फंड अर्न डिविडेंड ऑफ रुपीज 2 लाख, तो 2 लाख का डिविडेंड होगा वो अपन ऐड कर देंगे, तो अपने पास यहाँ पे एडजस्टमेंट हो गया है। और क्या बोला है, एंड इट डिस्ट्रीब्यूटेड 80% ऑफ द रियलाइज्ड अर्निंग्स, तो सर आपको यहाँ पे एक सेबी का गाइडलाइन पता है, सेबी का गाइडलाइन क्या है, सेबी ने ये बोला गया है कि म्यूचुअल फंड जितना भी अर्निंग करता है उसका रियलाइज वाला जो अर्निंग है उसी में से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है, तो ये उन्होंने बोला है 80% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर उन्होंने रियलाइज अर्निंग नहीं भी बोला रहता तो भी आपको सेबी गाइडलाइन के तहत आपको रियलाइज वाले अर्निंग से ही डिस्ट्रीब्यूशन करना है, अनरियलाइज से आप अर्निंग नहीं कर सकते हो। इसके पीछे का कारण ये है, अनरियलाइज मतलब सर सिर्फ अप्रिसिएशन हुआ है, उसको आपने बेचा नहीं है, तो सर उसको डिविडेंड बांटने के लिए आपको शेयर बेचना पड़े, जो सही चीज नहीं है। हाँ, आपने शेयर बेचा है बिकॉज ऑफ सम प्रॉफिट और उससे आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, दैट इज अ राइट थिंग, ऐसा सेबी का गाइडलाइन है। तो सेबी क्या बोलता है, सर आप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, यस कर सकते हो, फ्रॉम ओनली रियलाइज गेन। तो यहाँ पे सर रियलाइज गेन क्या होगा, रियलाइज गेन क्या होगा, जितना आपने बेच दिया है और जितना आपने एक्चुअली
अर्न किया है, तो सर अपन ने 63 लाख का अपन ने बेचा था और उसमें गेन कितना होता सर, 60 लाख का पोर्टफोलियो 63 में बेचा था तो अपने 3 लाख का अपने को कैपिटल गेन हुआ था, प्लस 2 लाख का अपने को डिविडेंड मिला था फ्रॉम द पोर्टफोलियो, तो अपने पास रियलाइज गेन 5 लाख का है। उसका उन्होंने बोला 80%, 5 लाख का 80%, 5 × 40 मतलब सर अराउंड 4 लाख डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, तो सर 3 लाख का 80% और 2 लाख का 80%, 4 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं डिस्ट्रीब्यूशन करने जाऊंगा कैपिटल गेन और डिविडेंड दोनों मिलकर 2.4 और 1.6, दैट इज 4 लाख होगा। तो सर उन्होंने जो 3 लाख का था उसका 80% और 2 लाख का डिविडेंड का 80% डिस्ट्रीब्यूशन किया। अब जाके सर आप एड और लेस करोगे, तो सर आपने क्या क्या ऐड किया है सर, अपना आपका बैंक बैलेंस 3 लाख था, आपने 63 लाख का एसेट बेचा, सामने 56 लाख का खरीदा, 2 लाख का डिविडेंड आया और सर 7.2 के एक्सपेंसेस पे किए और सर उसमें से जो डिविडेंड और कैपिटल गेन था उसमें से सर आपने डिस्ट्रीब्यूशन कर डाला, तो आपने 80% का डिस्ट्रीब्यूशन कर डाला, तो आपके बैंक में बैलेंस बचेगा 0.8। यहां तक का इंफॉर्मेशन के अनुसार 0.8 लाख का बैलेंस बचेगा। आगे उन्होंने बोला 30th 4 2012, मतलब सर ओपनिंग 1st अप्रैल का था और क्लोजिंग लास्ट वाले अप्रैल डेट का था, तो पूरे मंथ का डिटेल्स दिया हुआ है। द मार्केट वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो वाज 198 लाख, तो क्लोजिंग वैल्यू क्या था सर पोर्टफोलियो का 198 लाख था और सर आपके बैंक में सर 0.8 लाख बचा था, तो सर आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू 198.8 लाख हो जाएगा एज ऑफ दैट डेट, एज ऑफ 30th अप्रैल। तो स्टॉक का जो वैल्यू था 198 था और सर अपना एनएवी का फॉर्मूला क्या रहता है, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट प्लस कैश एंड बैंक, तो सर मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट 198 है, कैश और बैंक सर आपका 0.8 है, लेस क्या करते हैं सर अक्रूड एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस पे कर दिया वो तो कैश एंड बैंक में से चले गए, अक्रूड एक्सपेंसेस यस कुछ अरियर्स में है, तो सर आपने 8 लाख का कितना सर 8 लाख का 10% अरियर में, तो 0.8 भी अपन माइनस करेंगे तब जाके आएगा, तो कोई लायबिलिटी वगैरह तो है नहीं है तो और ना कोई अक्रूड इंटरेस्ट है, तो सर आपके पास तब जाके आएगा सर क्या क्लोजिंग एनएवी, क्लोजिंग नेट एसेट वैल्यू। तो वापस से मैं रिपीट करता हूं, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने बोला है क्लोजिंग में 198 लाख है, प्लस कैश एंड बैंक, उसमें सर कैश एंड बैंक क्या रहेगा जो अपन ने अभी कैश एंड बैंक निकाला अपना 0.8 लाख है, लेस प्लस अक्रूड इनकम करते हैं या डिविडेंड करते हैं जो अपन ने ऑलरेडी डिविडेंड कैश में एडजस्ट हो गया है, अक्रूड इनकम कुछ है नहीं, और सर अक्रूड एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो जो 10% अरियर्स है वो अपन डिडक्ट करेंगे, कोई आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी नहीं है तो अपने पास एनएवी आ जाएगा। अब इसको सर उन्होंने बोला था 20 लाख यूनिट से, तो 20 से डिवाइड करूंगा तो पर यूनिट एनएवी आ जाएगा, दैट इज 9.9 का मेरे पास एनएवी आ जाएगा। ये उन्होंने यहां पे क्वेश्चन में जो पूछा है मिस्टर आकाश एंड इन्वेस्टर, मिस्टर आकाश एंड इन्वेस्टर उन्होंने यहां पे अपने को दिया है, हैज सब्सक्राइब टू 100 यूनिट्स ऑन 1st अप्रैल एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेम ऑन लास्ट डेट ऑफ अप्रैल, व्हाट वाज हिज एनुअल रेट ऑफ अर्निंग। तो यहाँ पे सर अपन ने पहले एनएवी निकाला 9.9 और अभी उन्होंने रेट ऑफ अर्निंग्स पूछा है मिस्टर आकाश के लिए, तो सर मिस्टर आकाश को क्या हुआ था, उसने 10 रुपी के फेस वैल्यू पे खरीदा था और 9.9 हो गया था, तो सर उसको बेसिकली कैपिटल लॉस हो गया पर यूनिट 0.10 का, लेकिन उसको सर इनकम भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ था तो जो कैपिटल गेन था 3 रुपया और जो डिविडेंड था 2 रुपया सर, वो 5 रुपये का 80% अगर मैं गिनूं तो 5 रुपये का 80% के हिसाब से 4 लाख का टोटल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, 4 लाख का टोटल डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय 20 करेंगे तो 4 / 20 करेंगे तो 0.2 पर यूनिट का डिस्ट्रीब्यूशन आया था, तो 0.2 का उसको इनकम जनरेट हुआ था और 0.1 का उसको कैपिटल लॉस हुआ है, तो नेट अर्निंग उसका 0.1 पॉजिटिव है और उसने इनिशियली सर पर यूनिट के हिसाब से 10 रुपी इन्वेस्ट किया था, तो पर यूनिट पे अपन ने सब निकाला है तो 0.1 का उसको कैपिटल गेन होगा ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹10 पर यूनिट, तो उसको मंथली, क्योंकि ये 1 मंथ में हुआ था अप्रैल में, तो मंथली उसका गेन 1% रहेगा, जो उन्होंने एनुअलाइज करके भी बता दिया 12% रहेगा। ऐसे करके सर आप ये पूरा सम कर सकते हो सर, वेरी इंपॉर्टेंट सम, और सर ये पीएम में भी मौजूद है। तो सब में यूनिक चीज ये था कि उन्होंने अपने को पोर्टफोलियो का मार्केट वैल्यू तो दिया था, अनलाइक अदर सम्स जहां पे पोर्टफोलियो का मार्केट वैल्यू ढूंढना रहता था, यहां पे मार्केट वैल्यू दिया था लेकिन कैश एंड बैंक में जो चेंजेस हो रहे थे वो एडजस्टमेंट बोला था, बाकी अरियर्स वगैरह माइनस करके एनएवी आ रहा था पर यूनिट पे, और एनएवी के साथ ही उन्होंने इन्वेस्टर को रिटर्न निकालने बोला था, तो रिटर्न में सर एनएवी का वैल्यू तो 10 से 9.9 हो ही रहा है, वो तो कम हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है उसने जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन किया था वो आप ऐड करोगे तो उसको मंथली 1% का रिटर्न आ रहा है, जो एनुअलाइज बेसिस पे इट इज 12% रिटर्न, राइट। सो दिस इज हाउ द सम इज क्वाइट इजी एंड इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन इन दिस केस इज मच बेटर।